जो लोग कहते हैं भाई पुण्य दान करने से कुछ नहीं होता, इस वीडियो को देखें भाई। गांव कनड़ी में किस प्रकार पुण्य दान लगाया था, यहां पर खीर का प्रसाद बांटा गया लोगों को और उसी टाइम बरसात हो गई। दूसरी तरफ समैन की तरफ ये रास्ता जा रहा है, देखिए सूखा पड़ा है। तो एक बड़ा ही आज कनड़ी के अंदर रोचक नज़ारा भाई इसको कहेंगे देखने को मिला। पुण्य लगाते ही बारिश होगी और आगे हम देखने लग रहे हैं, देखो कनड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं बरसात भी तेज है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले देखो उस साइड सूखा पड़ा है। तो बड़ा ही चर्चा का विषय रहा और भाई वीडियो को शेयर करें जरूर, ये बताएं भाई पुण्य दान जो हमारे प्राचीन समय से चलता आ रहा है कितना इसका बड़ा महत्व है। साथियों, गांव कनड़ी ने आज खीर का भंडारा पुण्य लगाया था गांव में बारिश के लिए। भगवान ने खुश होकर के गांव में बहुत अच्छी बारिश की है। आइए आपको गांव वालों से रूबरू करवाते हैं। ये सभी ग्राम के नंबरदार थोड़ेदार गांव के ओम प्रकाश सरपंच जी, एक्स सरपंच बलकार जी, सतीश पोत जी, गांव की युवा कमेटी, बाबा किशन दास के मंत्र, प्रो सतवीर सरपंच जी, और भाई आपको एक मंच से और मिलाते हैं, बाबा बल्लूनाथ जी। बाबा बल्लूनाथ जी ने भंडारा स्टार्ट होते ही पूरी नगरी के यहाँ पे जितने भी भंडारे में आए थे सभी को एक ही जाप दिया था, मियो मियो मियो। तो बाबा जी से दो बातें करेंगे। नमस्कार आदेश जी। बाबा जी बारिश हुई, बढ़िया लग रही है। आपने गांव वाले को बोल लिया था भाई जाप करो मियो मियो का। मियो मियो बोला, मियो मियो करे राम भर से। मियो 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 बाबा कह दे वरियर और एक्स सरपंच सतबीर जी से पूछते हैं भाई किस बात पे, क्या यहाँ पे जो आज खीर का भंडारा लगाया गया क्या प्रोसेसिंग है इसकी। नमस्कार जी, जो आज भंडारा लगाया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भंडारा ऐसा है जी, हम हर साल गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए हर वर्ष भंडारा लगाते हैं गांव कनड़ी में। और आज जब भंडारा लगाया हमने, सवेरे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इससे पहले भी बड़ी गर्मी रही है, बारिश के कोई आसार नहीं थे। जब हमने भंडारा शुरू किया उसी वक्त मौसम चेंज होना शुरू हो गया था और भंडारा के दौरान ही मूसलाधार बारिश गाँव में हुई। हमें बड़ी खुशी है, किसान बड़े खुश हैं, खेती करने वाले लोग तकरीबन बड़े खुश हैं। बारिश समय पर बारिश हुई, इसकी ज़रूरत थी बड़ी तकड़ी। और भंडारा की जहाँ तक बात है, हमने अपने गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए हर वर्ष भंडारा लगाते हैं इन्हीं दिनों में लगभग।